So students, now we are going to solve question number 2 of your exercise 1A. And your question number 2 is compare the integers. What you have to do? You have to compare the integers. यानी आपको integers को compare करना है. यानी कि कौन सा integer greater है और कौन सा smaller है. ठीक है? So compare the integers. ठीक है? So introduction video में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से compare किया जा सकता है. यानी कि integers में मैंने बताया था कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कैसे है? जो बड़े हैं दैट विल द ग्रेटर. जैसे कि 1 से बड़ा 2 है तो 2 इज ग्रेटर देन 1, और 4 से बड़ा 5 है तो 5 इज ग्रेटर देन 1. तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होता है, जो नंबर बड़े हैं वो इंटीजर्स बड़े होंगे. और नेगेटिव इंटीजर्स में मैंने बताया था कि जो इंटीजर्स यानी कि जो नंबर छोटे हैं दैट विल बी द ग्रेटर, वो क्या होगा, बड़ा होगा. ठीक है? और मैंने बताया था कि 0 जो है वो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उससे छोटे हैं यानी कि छोटा है, और उसी तरह से नेगेटिव इंटीजर्स जो है 0 से छोटा है, कहने का मतलब 0 जो है नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा है. ठीक है? और जैसे कि मैंने बताया जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है इनमें जो नंबर छोटा है दैट विल बी द ग्रेटर. ठीक है? सो पहला क्वेश्चन यहां पर है आपका, आपको कंपेयर करना है -16 एंड -61. ठीक है? अब यहां पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, आपको यह ध्यान देना है कि दोनों कैसा इंटीजर्स है. ठीक है? तो दोनों क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है. तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों अगर नेगेटिव इंटीजर्स है तो ऐसे में जो नंबर छोटे हैं दैट विल बी द ग्रेटर. तो यहां पर आप देख सकते हो ये 16 और ये 61. सो व्हिच नंबर इज स्मॉलर, सो 16 इज द स्मॉलर, सो दैट्स व्हाई -16 इज ग्रेटर देन -61. ठीक है? तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका -39 एंड -39 एंड 13. ठीक है? तो आपको कंपेयर करना है इन दो इंटीजर्स को, एक है नेगेटिव इंटीजर्स और दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर्स. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स से क्या होते हैं, बड़े होते हैं यानी कि ग्रेटर होते हैं. सो सीधा सा बात है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है, 13 इज ग्रेटर देन -39. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों इसका, क्वेश्चन नंबर 3 इधर लिख दूं मैं 1 2 3. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका -236 एंड -236 एंड -362. ठीक है? तो आपको ध्यान यहां पर यह देना है कि दोनों जो है नेगेटिव इंटीजर्स है, तो दोनों अगर नेगेटिव इंटीजर्स हो गया तो जो नंबर छोटा होगा दैट विल बी द ग्रेटर. तो यहां पर है 236 और ये 362. इसका मतलब 236 जो है वो छोटा नंबर है बट दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो छोटा नंबर है दैट विल बी द ग्रेटर, यानी कि 236 इज ग्रेटर देन 362. ठीक है? आई होप कि आप लोग को समझ आया हो. एक और क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है, -2 एंड 0. ठीक है? सो इन दोनों को कंपेयर करना है, यानी कि इसमें बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 0 जो है जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उससे बड़ा है. ठीक है? सो सीधा सा बात है, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सॉल्यूशन. सो 0 इज ग्रेटर देन -2. ठीक है? 0 जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उससे छोटा है, और जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उससे क्या है, बड़ा है यानी ग्रेटर है. तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व.